नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यार टेक्निकल ब्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिंग पे लेटर एप्लीकेशन में कितना चार्जेस लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो है यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिस वीडियोस में आपको बताया गया होगा कि इसमें इतना चार्जेस लगता है, इतना चार्जेस लगता है, या कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। आपको कोई भी जो है अभी तक सटीक और सही वीडियोस देखने को नहीं मिली होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है बिल्कुल सही जानकारी देने वाला हूँ कि अगर जो है हम अपना रिपेमेंट लेट कर देते हैं तो उस पर कितना चार्जेस लगता है, डेली का चार्जेस कितना लगता है, या एक दिन का चार्ज कितना लगता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी जो है रिंग पे लेटर एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दोस्तों ऑलरेडी आपने लोन को ले रखा है तो दोस्तों आपके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके रोजाना इसी तरह की काम के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपके दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ जो है मैं आपको दिखाऊंगा कितना यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लगता है आपको। जैसे कि आपने 100 रुपए अगर निकाला है और 100 रुपए आप जो है, जैसे कि आपकी जो भी ईएमआई डेट बनी है अगर आप उसको डेट बाय डेट पे नहीं करते हैं तो उसका कितना चार्ज लगता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, मेरे पास जो है रिंग पे लेटर, यानी कि जो रिंग पे लेटर एप्लीकेशन है उसकी तरफ से मेरे पास मेल आया था और उन्होंने जो है मुझे बताया कि कितना इसमें चार्जेस लगता है, वो मैं चलिए आपको दिखा देता हूं। तो मैं यहां पर आ गया हूं दोस्तों अपने मेल के अंदर। यहां पर दोस्तों एक पीडीएफ है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो है उस कंपनी का नाम लिखा है, किस कंपनी से आपको जो है यहां पर लोन दिया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा यहां पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पैनल चार्जेस फॉर रिंग वाय नो पे लेटर, मतलब कि यहाँ पर जो है आपको रिंग पे लेटर जो एप्लीकेशन है उसमें आपको कितना चार्जेस कितने रुपए पे लगता है वो आपको सारे यहाँ पर जो है सारणी यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आप यहाँ पर 51 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में अगर आप यहाँ पर रुपया यूज करते हैं, उसके बाद में यदि आप जो है उसको सही समय पर रिपेमेंट नहीं करते हैं, जो आपकी डेट लगती है, अगर आप उस डेट को पैसा पे नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 10 रुपए का चार्जेस लगता है। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपए का चार्जेस लगता है। जैसे कि अगर आप 10 तारीख को आपको, जैसे कि 5 तारीख को आपको जो है रिपेमेंट करना है, अगर आप 5 तारीख को रिपेमेंट नहीं करते हैं तो अगले 6 तारीख को आपको जो है यहाँ पर 10 रुपए का चार्जेस लग जाता है, अगर 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अगर आपका अमाउंट है। और उसके बाद में दोस्तों अगर आप उसका रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आप यहां पर साइड से देख सकते हैं, यहां पर लिखा है डेली पेनाल्टी चार्जेस। तो डेली यहां पर दोस्तों 5 रुपए का आपको जो है यहां पर चार्जेस लगेगा, डेली पर डे जब तक कि आप जो है यहां पर उसका रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपको यहां पर 5 रुपए देना पड़ेगा डेली का। यदि आपका दोस्तों अमाउंट यहां पर 201 रुपए है, 201 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में है तो आपका जो है यहाँ पर 50 रुपए का चार्जेस लगेगा, जिस दिन आप डेट को जो है आपकी जो ईएमआई बनती है और आप उसको जो है रिपेमेंट नहीं करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर 50 रुपए देना पड़ेगा और डेली का चार्जेस आपको यहाँ पर 10 रुपए लगेगा। इसी तरह से दोस्तों आप 500 रुपए पे 1000 रुपए के बीच में अगर रुपया है तो आपको यहाँ पर 50 रुपए का चार्जेस लगेगा पहले दिन, उसके बाद में आपको यहाँ पर डेली 15 रुपए का चार्जेस लगता रहेगा। और इसी तरह से अगर आप 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए के अगर बीच में यहाँ पर पैसा है तो यहाँ पर आपको 75 रुपए का लगेगा पहले दिन, उसके बाद में डेली जो है 15 रुपए का चार्जेस आपके साथ में लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4000 रुपए से 5000 रुपए तक के अगर बीच में है तो पहले दिन 100 रुपए का लगेगा, उसके बाद में पर डे जो है यहाँ पर 30 रुपए का आपको जो है यहाँ पर पेनाल्टी लगेगा। इसके बाद में यहाँ पर 5000 रुपए से लेकर अगर 6000 रुपए के बीच में है तो यहाँ पर पहले दिन आपको 125 रुपए का यहाँ पर चार्जेस लगेगा, उसके बाद में 40 रुपए यहाँ पर डे लगेगा। 6000 से लेकर 7000 के बीच में है तो पहले दिन 125, उसके बाद में 140 रुपए पर डे। तो इसी तरह से अगर आपको 9000 के बीच में और 10000 के बीच में है तो यहाँ पर आपको पहले दिन 200 रुपए और उसके बाद में 50 रुपए का यहां पर जो है आपको पेनाल्टी लगेगी पर डे। तो दोस्तों यहां पर जो है आप देख सकते हैं आपको जो है कितने रुपए पर कितना चार्जेस लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो है यहाँ पर कितना चार्जेस लगता है। और भी दोस्तों आपके मन में ये सवाल है, अगर हम इसका रिपेमेंट ना करें तो हमारे साथ में क्या होगा, क्या हमें जेल हो सकती है या हमारे साथ में जो है कोई केस हो जाएगा, ये दोस्तों अगर आपके मन में डाउट है तो हमने जो है उस पर एक वीडियो बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।